मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद आप वोट देंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेताजी वोट मांगने पहुंचे, लेकिन जनता ने उनके काम का हिसाब मांग लिया। नौबत ऐसी आई कि नेताजी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। नेताजी की किरकिरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीर बिहार के अरवल जिले के कुर्था विधानसभा क्षेत्र की, जहां जेडीयू विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री सत्यदेव कुशवाहा को जनता के भारी विरोध के आगे चुपचाप लौटना पड़ा। कुशवाहा क्षेत्रों में लोगों से वोट के लिए मिल रहे थे। इसी दौरान करपी प्रखंड के पुरान गांव में पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद नौजवानों ने उनके गांव के विकास को लेकर सवाल दागना शुरू कर दिया। पूछा कि आप 10 साल से हमारे विधायक हैं और अब तक कितनी बार यहां आए, विकास का कौन सा काम करवाएं, सड़क जर्जर है और फिर भी आप वोट मांगने कैसे आ गए। चलिए इस गांव से निकली, लोगों ने विधायक जी को अपशब्द भी कहे। नेताजी की ऐसी बेइज्जती तो आपने कभी नहीं देखी होगी। समर्थन में झंडा लहराने की बजाय लोग काले झंडे दिखाने लगे, जिंदाबाद की जगह मुर्दाबाद करने लगे। तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर की, जहां शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय शिक्षकों ने उन्हें ऐसे घेर लिया मानो वो जनता की अदालत में मोस्ट वांटेड हो। शिक्षकों ने हुजूम बनाकर देवेश चंद्र ठाकुर की गाड़ी को घेरा और फिजा में देवेश चंद्र ठाकुर मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। लोगों ने देवेश चंद्र को खूब खरी खोटी सुना और काले झंडे भी दिखाए। देवेश चंद्र काफी देर तक शिक्षकों को समझाते रहे, लेकिन उनका गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ। शिक्षकों का इल्जाम है कि देवेश चंद्र ने कभी भी शिक्षकों के हित में कोई काम नहीं किया। अब इन्हें देखिए, नामांकन कर जैसे ही इलाके में पहुंचे, लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नेताजी का नाम राजकुमार साह है, बिहार के वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से एलजेपी के विधायक हैं और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की बेहद करीबी भी। लेकिन जनता की नजर में ये भी वांटेड है। लोगों का आरोप है कि जीत के बाद से विधायक जी के दर्शन नहीं मिले, इलाके में विकास का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन वोट मांगने पहुंच गए। लालगंज के सराय इलाके में लोगों से मुलाकात के दौरान उन्हें भारी फजीहत झेलनी पड़ी। नौबत ऐसी आई कि नेताजी को उल्टे पांव लौटना पड़ गया। मिर्जापुर में आता बर्खास्त करने का जरूरत नहीं होता, और एकदम वैशाली जिले की राजौली सीट से आरजेडी के उम्मीदवार प्रकाश वीर को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। लालटेन का सिंबल हासिल करने के बाद जैसे ही राजौली विधायक क्षेत्र में पहुंचे, जनता उनके काम का हिसाब मांगने लगी। नेताजी और उनके समर्थक बार बार लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोगों के तेवर ढीले नहीं हुए। नेताजी की फजीहत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश्वर हजारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जनता ने सड़क नहीं तो वोट नहीं बोलकर उन्हें गांव से जाने के लिए कह दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना का वीडियो शेयर किया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री अपने समर्थकों के साथ बाइक पर बैठकर वोट मांगने निकले थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक लिया और जमकर हंगामा किया। विरोध कर रहे लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। लोगों ने महेश्वर हजारी से दो टूक कहा कि वो गांव से चले जाएं। ये कृष्णानंद वर्मा है, जेडीयू के नेता है, जहानाबाद से विधायक है और नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री भी। पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा दिखाते हुए टिकट तो थमा दिया, लेकिन क्षेत्र के एरोड्रम इलाके में पहुंचते ही उन्हें आटे दाल का भाव पता चल गया। लोगों ने वर्मा जी की ऐसी हालत कर दी कि वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर भी नहीं पाए। हालांकि एक बार उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश जरूर की, लेकिन लोगों के तेवर देख उन्होंने गाड़ी में ही बैठे रहना मुनासिब समझा। मंत्री महोदय की फजीहत का ये वीडियो भी सोशल मीडिया में छा गया। ये गायघाट के विधायक महेश्वर यादव है, पिछले चुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार चुनाव के अनपहले पाला बदल कर नीतीश की पार्टी जेडीयू में आ गए। पार्टी बदली तो गाड़ी पर लालू की जगह नीतीश की तस्वीर भी चस्पा हो गई, लेकिन नेताजी का ये पाला बदल जनता को गवारा नहीं हुआ और जैसे ही वोट मांगने पहुंचे, लोगों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। नाराज जनता को समझाने के लिए नेताजी ने हाथ भी जोड़े,
लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जनता का मूड बिगड़ा देख महेश्वर यादव बेरंग लौट गए। नवादा से जेडीयू के विधायक और पार्टी के उम्मीदवार कौशल यादव को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में पत्नी पूर्णिमा यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे कौशल यादव से जनता ने तीखे सवाल दागे। क्षेत्र के विशनपुर गांव के लोगों ने कौशल यादव को खूब खरी खोटी सुना। तो पता हम कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनता ही नहीं, क्या करें। बोलिएगा पुलिस यहाँ पर है, दारू पीकर नहीं सुन सकते हैं। जो आदमी है जो दारू पीना कानूनी है, अब ये चल चल जाइएगा, हम कह रहे हैं चल चल जाइएगा। कौशल यादव ऐसे नेता हैं जो अपनी माँ को हराकर बिहार की राजनीति में स्थापित हुए। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24।